नमस्कार द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में फिर से आप सब हम सब उपस्थित हैं। और इससे पहले वाले क्लिप में मैंने बताया था कि परिवर्तन कैसे होता है ठोस द्रव और गैस का। अब हम आते हैं संघनन पे। संघनन या द्रवीकरण, गैसीय अवस्था और उसको द्रव अवस्था में करना, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीज कर जाना कहलाता है, उसी को संघनन और द्रवीकरण, गैसीय अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित करने को कहेंगे। अब हम एक ये करना चाहेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे सेंटीग्रेड में और केल्विन में। सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध, टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 प्लस टी के, इतना केल्विन। मतलब यदि जितना डिग्री ताप है उसमें 273.15 प्लस जितना डिग्री का निकालना है सेंटीग्रेड का, उतना डिग्री हम इसमें टेम्परेचर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा उतना केल्विन। सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 प्लस 0 K, दैट इज इक्वल टू 273.15 K। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 K। अगेन सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 प्लस 100 K, दैट इज इक्वल टू 373.15 K। सपोज हमें मालूम है कि के मालूम है और सेंटीग्रेड निकालना है, तो सपोज 575 K इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, देन 273.15 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 575 K। सो टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 575 माइनस 273.15, दैट इज 301.85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें यदि सेंटीग्रेड दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है, तो 273.15 में उतना जितना सेंटीग्रेड दिया है वो ऐड कर देंगे तो वो सेंटीग्रेड में निकल जाएगा केल्विन में। और यदि केल्विन दिया हुआ है सेंटीग्रेड, तो जितना केल्विन दिया हुआ है उसमें से 273.15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा उतना डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया तीन अवस्था जो हम लोग जानते थे वो। आजकल एक और अवस्था ऐड कर दिया गया है जो है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो है वो काफी आयोनाइज्ड, उसमें जो कण होते हैं वो काफी आयोनाइज्ड होता है, और ये नई अवस्था निकाली गई है, ये है प्लाज्मा अवस्था। इसके अलावा एक और है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंटमेंट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमें नहीं जानना है अभी। लेकिन प्लाज्मा अवस्था में जो है वो उसके जो कण होते हैं उसमें बहुत सारा बहुत आयोनाइज्ड गैसीय अवस्था है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जावान स्टेट में होता है। तो बस इतना ही हमें जानना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।